को आपने एपी से बनाया हुआ है, ठीक है। अब एपी से किस तरह बनाया हुआ है, जरा मेरी स्टेटमेंट को सुनना जो मैं बोलने लगा हूं अभी, कि हार्मोनिक सीक्वेंस, अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मौजूद हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास ये नंबर्स मौजूद हैं, अभी सीक्वेंस आपके पास मौजूद है, आप इस सीक्वेंस को हार्मोनिक उस वक्त बोलोगे जब आप इनको रेसिप्रोकल करो और आपके पास एपी आ जाए। ये बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फिर नहीं करूंगा। आप लिस्ट ऑफ नंबर्स को, ये जो लिखे हुए, हार्मोनिक उस वक्त बोलोगे जब आप इनको रेसिप्रोकल करो और वो एपी के अंदर मौजूद हो। जैसे अब ये मेरे पास सारे सीक्वेंस मौजूद है, सारे नंबर्स मौजूद हैं। अब इन नंबर्स को मैं हार्मोनिक उस वक्त बोलूंगा जब मैं सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल मालूम करूंगा। अब इसका रेसिप्रोकल मालूम करो, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, ये 5 हो जाएगा, ये 7, ये 9। मुझे दिखने में लग रहा है साफ साफ कि जब मैंने इन नंबर्स का रेसिप्रोकल किया तो जो इनका रेसिप्रोकल है वो एपी के अंदर है, कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर है यहाँ पे। तो जब इनका रेसिप्रोकल एपी के अंदर है तो फिर ये वाले नंबर्स क्या होंगे, ये वाले नंबर्स होंगे एचपी के अंदर। ये डेफिनेशन है इनकी, इनकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, इनको एपी से डिफाइन किया जाता है। दोबारा बताऊं कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है उनको आप एचपी में उस वक्त बोलोगे जब आप उनका रेसिप्रोकल करो, और उनका रेसिप्रोकल अगर एपी के अंदर है तो फिर उन नंबर्स को आप क्या बोल दोगे कि वो नंबर्स जो है वो एचपी के अंदर है। दैट्स इट, ये डेफिनेशन है हार्मोनिक सीक्वेंस की, कि हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है। आप जितनी भी हार्मोनिक सीक्वेंस देखोगे ना, मेजॉरिटी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, तो आपको देखने में आइडिया हो जाता है यार कि फ्रैक्शन की फॉर्म में तो शायद हार्मोनिक होगी। आप इसको रेसिप्रोकल करते हो, फिर वो डिफरेंस देखते हो, अगर वो एपी के अंदर है तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये सीक्वेंस जो है ये एचपी के अंदर मौजूद है। जैसे ये वाली एग्जांपल मैंने दी थी, हाँ 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 वही काम करना। तुम थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दो ना, 20 मिनट, तो ये सवाल हल हो जाता तुम्हारा। हार्मोनिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एएम का हो गया, या जनरल टर्म भी किस सिचुएशन में आप मालूम कर सकते हो एपी के तरीके से, आपको एचपी का मेथड यूज नहीं करना। लेकिन इसका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है ना, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, जो एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको रेसिप्रोकल किया हुआ है। इसकी जो जनरल टर्म है वो मैं बस आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है। जनरल टर्म फॉर्मूला अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, आपको इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, क्योंकि आप इस्तेमाल भी अगर इसको करो तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको कितने सिचुएशन में इजी मतलब फिजिबल भी होगा आपके लिए। मैं ज़रा फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद ज़रा बात करते हैं इसके ऊपर। फॉर्मूला इसका थोड़ा बड़ा सा है, बी प्लस एन माइनस वन है, पता नहीं प्लस वन है, ये तो ए माइनस बी है, एन माइनस वन है, ये पूरा इसका फॉर्मूला है। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, एन तो नंबर ऑफ टर्म है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, बी यहाँ पे सेकेंड टर्म है। अगर आपको एक एचपी की फर्स्ट टर्म पता हो, आपको एचपी की सेकंड टर्म पता हो, आपको नंबर ऑफ टर्म पता हो, 6th टर्म, 10th टर्म, जो टर्म आपने निकालनी है, आपको एन पता हो, तो आप आसानी से वो वाली टर्म निकाल सकते हो। अब इसकी मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये प्योर एचपी का तरीका है, आप एपी से भी निकाल सकते हो, वो मैं बता दूंगा किस तरह। पहले नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक सवाल है कि उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड द 20th टर्म, आपको एचपी की 20th टर्म निकालनी है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टू टर्म, मतलब पहली टर्म है 2/39, दूसरी टर्म है 2/37, और आपको निकालना है 20th टर्म। मतलब यहाँ पे आपको एन पता है, एन क्या हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा, तो एन भी आपको पता है 20 के बराबर। आपके पास कैलकुलेटर है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शंस आएंगी, एलसीएम लेना पड़ेगा, ख्वारी काटनी पड़ेगी। आपने बस अपना कैलकुलेटर निकालना है, कैलकुलेटर में यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू, फिर नीचे बी प्लस एन, यहाँ पे 20 है तो 20 - 1 19 होगा, तो आप डायरेक्ट 19 लिखना, 19 को मल्टीप्लाई कर देना ए माइनस बी से। इस पूरी चीज़ को आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, आपके पास स्ट्रेट अवे 20th टर्म जो है वो आ जाएगी। तो मैं मैनुअली सॉल्व भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैनुअली कैलकुलेशन मुश्किल होगी, तो सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। आप इस तरीके से निकालना, आप देखना कि इसकी जो 20th टर्म है वो 2 के बराबर आ रही होगी, ये कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट निकाल लोगे। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एपी के तरीके से निकाल सकते हो। जो मेथड आप आगे भी फॉलो करोगे, मैं अभी से बता रहा हूँ कि अगर इसी सवाल को आपने एपी के तरीके से करना है,
तो वो क्या हम किस तरीके से करते हैं कि जो फर्स्ट टू टर्म लिखी हुई है ना, इनको आप रेसिप्रोकल कर दो। अगर ये एचपी के अंदर है तो उनका रेसिप्रोकल एपी के अंदर होगा ना, तो पहली टर्म हो जाएगी 39/2, दूसरी टर्म हो जाएगी 37/2। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो है ये ए है, फर्स्ट टर्म है, एपी के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डिफरेंस जो है यहां पे जरा सॉल्व करना, 1 के बराबर आ रहा होगा। आपको ए पता है, आपको डी पता है, आपको एन पता है, जो जनरल टर्म फॉर्मूला होता है ना एपी का, उससे आप टीएन निकाल लेना। तो जब आप उससे टीएन निकालोगे आपके पास 1/2 आ रहा होगा। अब ये 1/2 एपी के टर्म है, इसको एचपी के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे? रेसिप्रोकल कर लेना, तो आपके पास एचपी के अंदर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों की मर्जी, आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप इसको रेसिप्रोकल करके एपी बना के भी इसको यूज कर सकते हो। बस जो एंड पे आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल कर लेना, वो एचपी के अंदर आ जाएगा। सर ये टीएन क्या है? इधर टीएन तो निकालना है ना आपको, एनथ टर्म मतलब 20th टर्म निकालनी है, मतलब T20 आपको निकालना है। इस वाली सिचुएशन में भी जो TN यहाँ पे क्या होगा, T20 होगा ना, मतलब जो आपने 20th टर्म निकाली है ये एपी की होगी। एचपी में कन्वर्ट करने के लिए आप रेसिप्रोकल करोगे तो वही आंसर आ रहा होगा आपके पास 2 यहाँ पे। तो जनरल टर्म फॉर्मूला या एपी फॉर्मूला, दोनों तरीके से आप यहाँ पे जो भी टर्म उन्होंने लिखी हो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये तो पहली बात होगी। अब जरा मसला क्या आएगा? देखो मसला कुछ सिचुएशन में आ सकता है। वो सिचुएशन क्या है कि देखो इस फॉर्मूले में मैंने बताया था ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एचपी की गिवन हो तो फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आप 20 निकाल लोगे, आप 30 टर्म निकाल लोगे, आप 50, 100, कुछ भी टर्म निकाल लोगे अगर आपको फर्स्ट टू टर्म पता हो एचपी के अंदर। अब सवाल ये कि अगर फर्स्ट टू टर्म ना पता हो, लेट कर लो आपको सेकंड टर्म पता हो, आपको फिफ्थ टर्म पता हो और आपको बोला जाए कि 10th टर्म निकालो, अब क्या करोगे आप? ये फॉर्मूला तो वर्क ही नहीं करेगा। ये फॉर्मूला तो शुरू की दो टर्म हो तब वर्क करता है, शुरू की दो टर्म तो आपको पता ही नहीं, आपको सेकंड और फिफ्थ पता है, कैसे करोगे ना? इसको आप एपी के तरीके से कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंस कैसे निकालोगे? फिर रेसिप्रोकल तो कर दोगे लेकिन डिफरेंस कैसे आएगा, उसमें फंस जाओगे। ठीक है, जुगाड़ तो हो सकती है उसके अंदर भी लेकिन मसला हो जाएगा। तो इसके लिए एक थ्योरम है और जो एचपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इवन उसका बुक में हेडिंग भी यही है, एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। उसका नाम नहीं है, बस हेडिंग क्या है, एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो ये वो थ्योरम है जो आपको इन सिचुएशन में हेल्प करता है। कौन सी सिचुएशन? जब आपको कोई भी दो टर्म गिवन हो और आपको तीसरी निकालनी हो। इस फॉर्मूले की कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई भी दो आपको बताओ तीसरी आप आसानी से निकाल लोगे। तो अब जरा मैं बता देता हूं कि फॉर्मूला वर्क कैसे करेगा। ये वाला प्रोसेस आपने देख लिया कि फर्स्ट टू टर्म पता हो तो फिर तो आप स्ट्रेट अवे यही निकाल लो, मुश्किल में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट टू टर्म ना पता हो तो फिर आपकी मजबूरी है। अब आप आ जाओ उस फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या है कि लेट कर लो, थ्योरम बोल सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आपकी बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 203 पे। लेट कर लो आपकी जो एचपी है उसकी पीएथ टर्म जो है वो एक्स है। ये पीएथ क्यूएथ में स्टूडेंट फंसते हैं, इसको आप जस्ट ये समझ लो कि फोर्थ टर्म एक्स के बराबर है या फिफ्थ टर्म कह लो, ये पीएथ से कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैंने बताया था ना सेकंड टर्म या फिफ्थ टर्म गिवन हो, ये वही वाली चीज है कि पीएथ टर्म जो है लेट कर लो वो एक्स के बराबर है, जैसे फिफ्थ टर्म फोर के बराबर है, ये वही बात है, इसको जनरलाइज लिखा हुआ है उन्होंने। इसी तरह लेट कर लो क्यूएथ टर्म जो है वो वाई के बराबर है और आरथ टर्म जो है वो जेड के बराबर है। मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, मामला क्लियर हो जाएगा। और असल कंडीशन क्या है कि ये सब जो है ना टर्म, ये एचपी के अंदर होनी चाहिए। जो टर्म आ रही है ना आपके पास, लेट कर लो सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म, 10वीं टर्म, ये सब टर्म किसकी हो? एचपी की हो। तो आप ये थ्योरम यूज करोगे। थ्योरम क्या कहता है? 1/x p 1, 1/y q 1, 1/z r 1, ये पूरी चीज जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये थ्योरम डिस्कस कर लिए, अब जरा मैं इसको अप्लाई करता हूं, क्योंकि अभी आप लोगों को इतना समझ नहीं आया होगा कि कैसे यूज करना है। मैं एक सवाल करवाता हूं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूले को हम यूज किस तरीके से करते हैं। अच्छा जी, आ जाओ भाई सवाल के ऊपर। सवाल ये है, जरा गौर से देखना, लिखा हुआ 10th टर्म जो है एचपी की वो 21 है, 21st टर्म जो है
एचपी की वो 10 है. फाइंड द 210th टर्म, ये आपको फाइंड करना है. अभी सवाल देखो कितना मुश्किल है, आप किसी फॉर्मूले से नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है. आपको 10th टर्म पता है, आपको 21 टर्म पता है, और आपको 210 टर्म निकालनी है, मतलब 210वीं वाली जो टर्म है ना वो निकालनी है, और ये एचपी के अंदर है सब. अब कैसे निकालोगे जरा वो कॉन्सेप्ट देख लो. आपने बस ये पी क्यू आर डिसाइड करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया तो फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा. कैसे डिसाइड करोगे, सिंपल सा ये पैटर्न देख लो. पी एथ एक्स के बराबर है, क्यू एथ वाई के बराबर है, आर एथ जेड के बराबर है. इसमें से कोई एक अननोन होगा वो आपको पता चल जाएगा. जैसे 10th है ना, तो इसको ले लो पी एथ. पी यहाँ पे क्या है 10 के बराबर, और एक्स यहाँ पे क्या है 21 के बराबर है. फिर होता है क्यू एथ वाई के बराबर है, 21 को ले लो क्यू और इसको ले लो वाई. फिर आर एथ होता है जेड के बराबर, 210 को आप आर ले लो और यहाँ पे इस चीज़ को आप जेड ले लो. अब आपको दिखने में लग रहा है आपको यहाँ पे जेड निकालना है, क्योंकि ये कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, इसका मतलब आपको जेड निकालना है. जैसे ही आपके पास जेड आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि 210वीं वाली टर्म कौन सी है. तो आपने क्या करना है, आपने पी क्यू आर एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है और जेड को अपनी जगह पे रहने दोगे. इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, इक्वल टू जीरो रखोगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. मुझे बताओ यहां तक बात क्लियर है, और इस पूरी चीज को बुक वालों ने सॉल्व किया हुआ है. मैंने बुक से एग्जाम्पल ली है, पेज नंबर 201 पे जाना, एग्जैक्ट उन्होंने सब ये वैल्यूज पुट की हुई है, जेड अननोन है, डिटरमिनेंट के पूरे पूरे स्टेप उन्होंने लिखे हुए और एंड पे उन्होंने जेड की वैल्यू पूरी निकाली. हाँ हाँ, आप आर वन से एक्सपेंड कर दो इसको, जिस भी से एक्सपेंड करना चाह रहे हो. तो पेज 204 है ना, उस पर आप देख लेना, पूरी एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है. अगर आप इस एक क्वेश्चन को समझ लोगे आपको ये पूरा थ्योरम समझ आ जाएगा. और इस थ्योरम की इंपॉर्टेंस ये है कि 6.8 के 90% क्वेश्चन जो है, इवन 100% शायद 1-2-3 एंड के वो अलग हैं, बाकी जितने क्वेश्चन है वो थ्योरम से होते हैं, आप आसानी से कर सकते हो. इवन इस क्वेश्चन को कर सकते हो थ्योरम से, हम कर नहीं रहे क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, ये इजी वाला तरीका है, लेकिन आप इसको भी कर सकते हो. तो बस बाकी आप लोग 204 पे देख लेना, वैल्यूज पुट की हुई है, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया हुआ है आर वन से, जिस तरह मैंने चैप्टर 4 में बताया था कि आप डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हो. पूरे डिटरमिनेंट को जीरो के बराबर रख के उन्होंने जेड की वैल्यू निकाली है. अब इस थ्योरम का सवाल दो तरीके से आ सकता है, या तो वो आपसे थ्योरम पूछ लेंगे, ये भी मैंने एमसीक्यूज देखा हुआ है कि अगर पी एथ एक्स के बराबर है, क्यू एथ वाई के बराबर है, आर एथ जेड के बराबर है, तो बताओ ये पूरी चीज किसके बराबर होगी, तो ये पूरी चीज जीरो के बराबर होगी, इस तरह पूछ सकते हैं. या वो आपसे ये कंडीशन दें और डायरेक्ट ये वाली कंडीशन पूछें, तो आपको पूरा डिटरमिनेंट आना चाहिए, ठीक है, ये पूरा डिटरमिनेंट जीरो के बराबर होता है. या तीसरा तरीका ये हो सकता है कि वो आपको कोई सवाल दे देंगे और आपको अननोन मालूम करने के लिए ये वाला यूज करना पड़ जाएगा. तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है. अच्छा जी, तो एक तो जनरल टर्म आपने देख ली एचपी की, फिर आपने ये इंपॉर्टेंट थ्योरम देख लिया, उसके बाद एक चीज है जो कि नॉलेज के लिए आप याद रख लो. अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका. नॉलेज के लिए क्या याद रखना है कि एक टॉपिक होता है जिसको आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन. स्पेलिंग ही भूल गई हूँ करेक्टर की, इसकी दर है, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन इन एचपी. एचपी के अंदर मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि नाम से भी एमसीक्यू दे सकते हैं. वो रिलेशन तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन नाम भी पता होना चाहिए रिलेशन का नाम क्या है. रिलेशन ये कि भाई अगर ए बी सी अगर ये एच पी के अंदर है तो फिर ये इस चीज को फॉलो करेंगे. क्या है वो कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी ये बराबर होगा ए अपॉन सी के. इसको आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन फॉर एच पी. एच पी के लिए कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन होता है. ये उस वक्त वैलिड है जब ए बी सी आपके एच पी के अंदर है. अब अगेन इस एम सी क्यूज को मेरे ख्याल में 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं. सबसे पहला तरीका ये कि बोले भाई एच पी के लिए कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन होता है. दूसरा तरीका ये है कि वो बोलेंगे अगर ये पूरी चीज आपस में बराबर है तो बताओ ए बी सी क्या होंगे, ए बी सी एच पी के अंदर होंगे. ये दूसरा एम सी क्यूज है. ऑप्शन में एच पी जी पी ए पी सब लिखा होगा,
आपको पता है अगर ये चीज फॉलो हो रही है, इसका मतलब ए बी सी जो है वो एच पी के अंदर है, इस तरह पूछा जा सकता है। तीसरा तरीका ये कि वो आपको रिलेशन दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये कौन सा रिलेशन होता है एच पी के अंदर, तो इसको आप बोलते हो करैक्टरिस्टिक रिलेशन, मतलब नाम इसका पूछ लिया जाएगा। तो तीनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, आप इसको बस याद कर लेना कॉन्सेप्ट, बस यही है इसका, कुछ सवाल को कुछ भी नहीं है, बस रिलेशन आप इसको बुक में प्रूफ लिखा हुआ है, लेकिन प्रूफ एमसीक्यूज के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, बस रिलेशन को याद रख लेना। अच्छा जी, अब आखिरी टॉपिक है हार्मोनिक से रिलेटेड। जैसे आपने, अच्छा हार्मोनिक में सीरीज नहीं होती, हार्मोनिक की सीक्वेंस को सम करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका जो मीन है ना वो आप मालूम करते हो, तो हम डायरेक्ट अब मीन पे जा रहे हैं, हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन निकालना बड़ा इजी है यार, जैसे आपने एपी जीपी इनके अंदर पढ़ा था कि भाई अगर तीन ड्रम जो हैं वो अगर एचपी के अंदर हैं तो दरमियान वाली ड्रम क्या हो जाएगी, हार्मोनिक मीन हो जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसी तरह अगर ज़्यादा ड्रम एचपी के अंदर हैं तो दरमियान वाली सारी ड्रम क्या हो जाएंगी, हार्मोनिक मीन हो जाएंगे। तो वही डेफिनेशन है जो एएम से चलती हुई आ रही है, जीएम में भी वही थी, एचएम में भी वही है। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला चेंज है, यहाँ पे हार्मोनिक मीन अगर आपने निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c, मतलब आप जिन दो नंबर्स के दरमियान आपको निकालनी है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो आपस में, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय उन दोनों नंबर्स को आप नीचे ऐड कर दो। तो ये हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका होता है, बहुत मशहूर एमसीक्यूज है आपके बोर्ड का, वो मैं करवा देता हूँ। सवाल आता है कि हार्मोनिक मीन निकालो बिटवीन 2 एंड 5, 2 और 5 के दरमियान हार्मोनिक मीन निकालो, तो फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई दोनों नंबर, 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय नीचे दोनों नंबर को ऐड कर दो 2 प्लस 5, तो सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 20/7। तो इन दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन जो है वो क्या हो जाएगी, 20/7 हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आपको एक हार्मोनिक मीन निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और आप आसानी से हार्मोनिक मीन निकाल लो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, वही वाला कि जैसे आप n अरिथमेटिक मीन निकालते थे, n ज्योमेट्रिक मीन निकालते थे, तो यहां पे होगा n हार्मोनिक मीन, वो कैसे निकालोगे, तो उस वाले मेथड पे आ जाते हैं। टू ए बी, हाँ नहीं वो इस पे जो मैंने एग्जांपल दिया ना उसके मुताबिक नहीं लिखेंगे, आप ये वाली बात कर रहे हो, अगर इसको इस तरह नॉर्मली इस तरह जनरल फॉर्म में बुक में आपको मिल जाएगा कि दो नंबर जो है वो ए बी होते हैं, दरमियान वाला एच होता है, तो इस पे उन्होंने फॉर्मूला लिखा होता है 2ab/a+b। तो असल चीज है ये नोटेशन मैटर नहीं करती, आपने देखना होता है दो नंबर कौन से हैं जिनके दरमियान आप निकाल रहे हो, यहाँ पे वो दो नंबर ए सी थे, यहाँ पे वो दो नंबर 2 एंड 5 है, यहाँ पे वो दो नंबर ए और बी है, तो नोटेशन मैटर नहीं करती, असल कॉन्सेप्ट होता है दो नंबर कौन से। अच्छा अब मैं इसकी एग्जांपल करवा देता हूं, अगर आपको एन हार्मोनिक मीन निकालनी हो कैसे निकालोगे। अच्छा एग्जांपल 1208 पे तो एक हार्मोनिक मीन निकालनी है, प्रोसेस बता दी है। एग्जांपल 2 में 40 हार्मोनिक मीन निकालनी है, चलो इसको इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको 6.8 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करवा देता हूँ। पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि आपको 4 हार्मोनिक मीन्स निकालनी है 12 और 48/5, ये उसी टाइप का सवाल है जो आपने AMGM में पढ़ा था। अब आपको 4 हार्मोनिक मीन निकालनी है इन दो नंबर्स के दरमियान। अच्छा हार्मोनिक मीन का अलग से पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन वो मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा आपको, जो आपने प्रोसेस पढ़ा था ना AM के अंदर सेम वही हम लगा रहे हैं, ताकि नया कॉन्सेप्ट याद रखने की आपको जरूरत ना हो, जो चीज आपने पढ़ी थी AM के अंदर वही चीज हम इसके अंदर करते हैं, बस इसको AM की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप इसको AM की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप बस 12 का रेसिप्रोकल 1/12, इसका रेसिप्रोकल 5/48, लो भाई अब ये कन्वर्ट हो गया AM के अंदर, दैट्स इट। अब आपने बिल्कुल AM के तरीके से यहां पे 4 अरिथमेटिक मीन निकालनी है, जो 4 आएंगे उनको रेसिप्रोकल करना, हार्मोनिक आ जाएंगे। AM में आप क्या करते थे, आप D निकालते थे, D था b-a डिवाइडेड बाय n+1, b है 5/48 माइनस a है 1/12 डिवाइडेड बाय 4 निकालनी है ना, तो 4+1 5। इस पूरी चीज को आप सॉल्व करना, तो एलसीएम यहां पे 48 है, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 1/48 मल्टीप्लाई 5, 1/240,
तो 1/240 इसका कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा। एम में उसके बाद आप क्या करते थे, ऐड करते थे। फर्स्ट एम कैसे आती थी कि यहां पे 1/12 के अंदर आप डिफरेंस ऐड करोगे 1/240, आपके पास फर्स्ट एम आ जाएगी। ठीक है, जो भी ये कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना, इतना टाइम नहीं है। जो भी फर्स्ट एम आई हुई होगी, उस फर्स्ट एम के अंदर आप अगेन ये डिफरेंस पुट कर देना 1/240, आपके पास दूसरी आ जाएगी। फिर जो तीसरी अरिथमेटिक मीन है वो कैसे आएगी कि जो दूसरी आई होगी ना यहाँ पे, उसके अंदर अगेन आप 1/240 पुट करना, आपके पास तीसरी आ जाएगी। इसी प्रोसेस के तहत आपके पास चौथी आ जाएगी। जैसे ही आपके पास चार आ जाएंगी ना, इनको बस आपने रेसिप्रोकल करना है। लेट कर लो जो ये आई होगी, इसको रेसिप्रोकल करना, आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगी। लेट कर लो अगर A1 आ रहा है यहां पे 4, तो 1/4 हार्मोनिक मीन बच जाएगी। इसी तरह इस वाले चीज को रेसिप्रोकल करना, आपके पास दूसरी हार्मोनिक मीन आ जाएगी। इसी तरह तीसरी हार्मोनिक, इसी तरह चौथी हार्मोनिक, जो जो अरिथमेटिक मीन आए रेसिप्रोकल करते जाना। सर, A1 जो है सर, 7/80 आ रहा है, तो हो जाएगा 280/7। हाँ, 7/80 आ रहा है जी। हाँ, फिर 80/7, मैं समझा 280 कह रहे हो, 80/7 फर्स्ट हार्मोनिक मीन हो जाएगी। इसी तरह जो A2 आ रहा है, उसको रेसिप्रोकल करना, सेकंड हार्मोनिक मीन हो जाएगी। तो कोई नया मेथड आपने नहीं किया, बस चेंजिंग आपने शुरू में क्या किया है, इसको रेसिप्रोकल किया है। नॉर्मल तरीके से पूरा सॉल्व किया अरिथमेटिक मीन के मेथड से, एंड पे बस रेसिप्रोकल कर देना, हार्मोनिक मीन आ जाएंगे। तो एन निकालनी हो तो ये वाला प्रोसेस है, और अगर एक निकालनी हो इसको भी आप अरिथमेटिक मीन वाले तरीके से कर सकते हो, इस वाले सवाल को भी रेसिप्रोकल करके। लेकिन इसका फॉर्मूला काफी दफा पूछा जाता है एग्जाम में, तो फॉर्मूला इस तरह आपको याद हो जाएगा। दूसरा, मेथड काफी इजी है, तो आप इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हो। इसमें अलग मेथड याद करने से बेहतर था कि मैंने आपको एम वाला मेथड ही बता दिया। तो ये जो हार्मोनिक मीन है, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोई भी सवाल है यहां तक तो पूछ लो। हार्मोनिक मीन का ये है ना, अगर एक निकालनी हो, और अगर दो निकालनी हो तो बुक में पूरा लिखा हुआ है उन्होंने, अगर शौक हो तो जाके देख लेना, वहां से पेज नंबर 207 पे है। लेकिन मुश्किलात में पढ़ोगे, जो एम वाला तरीका उससे कर लो, आसानी हो जाएगी। अच्छा, 6.9 हमारी रहती है, लेकिन अब मैंने आप लोगों को पूरे ओवरऑल चैप्टर के ना कुछ पॉइंट्स बताने हैं। उनको आप ट्रिक कह लो या पॉइंट्स कह लो, आपकी मर्जी है, वो मुझे आपको बताने हैं। तो जरा उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, उससे पहले इसी का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 6.9 का एक ही फॉर्मूला है, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद उस पर हम चले जाते हैं। वो मैं ऊपर बता देता हूँ, इतना बड़ा नहीं है। दो केसेस हैं, देखो याद रखना, ऑर्डर ये होता है कि अरिथमेटिक मीन, ए है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होती है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होती है हार्मोनिक मीन से। मतलब अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है ना, लेट कर लो ए और बी, इसके दरमियान आपने अरिथमेटिक मीन निकाली, ज्योमेट्रिक निकाली, हार्मोनिक मीन निकाली, तो हमेशा अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर होगी ज्योमेट्रिक से, और ज्योमेट्रिक जो है वो ग्रेटर होगी हमेशा हार्मोनिक से। ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन क्या है, वही जो असल लिखनी है, कि अगर जो दो नंबर्स है ना, मतलब ए और बी जिनके दरमियान आपने निकाली है, वो दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। दूसरी बात, जो ज्योमेट्रिक मीन आप यहां पे लिख रहे हो वो भी ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो दो ज्योमेट्रिक मीन आती थी, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। तो अगर आप पॉजिटिव वाली ज्योमेट्रिक मीन लो और यहां पे ए बी जो है वो भी पॉजिटिव है, तो ये वाला रिलेशन फॉलो होगा कि ए ग्रेटर होगा जी से, जी ग्रेटर होगा एच से। और अगर ए जो है वो लेस देन जी, लेस देन एच, मतलब इस वाली सिचुएशन में ए जो है वो जी से छोटा होगा, जी जो है वो एच से छोटा हो जाएगा। और ये कब होगा, जब आप ऊपर वाली कंडीशन को रिवर्स कर दो, अब आप ए बी नेगेटिव हो और जो ज्योमेट्रिक मीन ली है वो आपने नेगेटिव वाली ली है, तो तब अरिथमेटिक मीन लेस देन होगा ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन लेस होगा हार्मोनिक मीन से। तो ये नॉर्मली वो एमसीक्यूज में आपसे वाली कंडीशन पूछ लेते हैं डायरेक्ट, कि बताओ इसमें ए ग्रेटर होगा जी से। अच्छा, अलग अलग भी पूछ सकते हैं आपसे, मतलब इन दो का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि ए जी से क्या होता है, ए जी से बड़ा होता है, या वो जी और एच के दरमियान कंपैरिजन कर लेंगे कि जी जो है वो हार्मोनिक से बड़ा होता है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में जी हार्मोनिक से छोटा होता है। तो तीनों भी आपसे पूछ लेंगे, या वो आपसे कोई दो दो करके भी पूछ सकते हैं, दोनों तरीके से वो आप पूछ सकते हैं।
और इन्हीं के दरमियान रिलेशन ये होता है कि जी स्क्वायर बराबर होता है ए एच के। अब वही वही मतलब है, ए जी एच वही है, हार्मोनिक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक। हमेशा किसी भी दो नंबर के दरमियान आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो, अरिथमेटिक और हार्मोनिक निकालो, तो वो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होगा अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन। अब इसको लिखने के डिफरेंट तरीके, इस तरह भी लिखा जा सकता है ये फॉर्मूला, इसको आप इस तरह भी लिखा जा सकता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए एच, इस तरह भी वो दे सकते हैं, और इसको फ्रैक्शन की फॉर्म भी दे सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होगी, जी अपॉन ए एच अपॉन जी, इस तरह भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी जब आप सॉल्व करोगे जी जी से मल्टीप्लाई होगा जी स्क्वायर हो जाएगा, ए एच से मल्टीप्लाई होगा ए एच हो जाएगा। तो इस वाले तरीके से भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, तीनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लिखने के तरीके अलग हैं बस। तो ये 6.9 में दो तीन रिलेशन थे जो इसके अंदर मौजूद हैं। सही है यहां तक बात क्लियर है? यार वही बात है ना, ए अरिथमेटिक मीन को शो कर रहा है, एच हार्मोनिक मीन को। मतलब आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, सिंपल सा कैसे प्रैक्टिस करोगे, कोई भी दो नंबर पिक करो, 2 और 6 पिक कर लेना, 2 और 6 के दरमियान अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक ये तीनों मीन निकाल लेना। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब आप ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर रहे हो तो ये बराबर होगा अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन, ये आप करके देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा, ये वेरीफाई हो रहा होगा। पर कोई भी दो नंबर लेट करके हाँ हाँ ये तीनों अपने अपने फॉर्मूले से निकलेंगे, तीनों अपने अपने फॉर्मूले से निकाल के उसके बाद रिलेशन देखोगे। और अगर आपको रिलेशन देखो तो जाना बेचाना लग रहा होगा, ये रिलेशन ज्योमेट्रिक मीन के अंदर होता है। अगर आपको याद हो किसी दो नंबर्स के दरमियान जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते थे तो इस फॉर्मूले से निकालते थे। तो एक एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि जो अरिथमेटिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, जब आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो वो ये आ रहा होगा। मतलब इस तरह भी आप इसको देख सकते हो कि ज्योमेट्रिक मीन के रिलेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप एक सीक्वेंस बनाओगे ना इस टाइप की ए जी एच, तो ये सीक्वेंस जो है ये जीपी के अंदर होगी। जीपी के अंदर क्यों होगी, क्योंकि दरमियान वाली ज्योमेट्रिक मीन है ना इस रिलेशन के मुताबिक। जैसे आपने उधर देखा था कि जब तीन नंबर्स जीपी के अंदर होते थे, अगर आपको याद हो, तो दरमियान वाला नंबर क्या होता था, ज्योमेट्रिक मीन, और वो बराबर होता था बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के। सेम वही चीजें हैं, ए जी एच ये जीपी के अंदर मौजूद है क्योंकि दरमियान वाला नंबर जी जो है ना वो इस रिलेशन के तहत इनका मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो इस तरह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यार ये तीनों नंबर किसके अंदर है, तो ये तीनों नंबर जीपी के अंदर है। कहने का मतलब किसी भी दो नंबर के दरमियान अगर आप ये तीनों मीन निकालोगे ना तो ये तीनों मीन आपस में क्या होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही होंगी। तो इस तरह भी इस सवाल को समझ सकते हो।